सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 810 ब्रेकर मशीन में कैसे हम उसका लॉकिंग सेट जो लगता है टूल होल्डर में, तो उसको हम कैसे परफेक्टली फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें ग्रीस लगाएंगे, जहाँ पर होल होता है जहाँ पर बॉल लगते हैं उसमें ग्रीस लगाएंगे, क्योंकि ग्रीस नहीं लगाऊंगे तो बॉल गिर जाएगा, तो इसलिए ग्रीस भी ज़रूरी है। तो ग्रीस लगाएंगे, थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, उसके बाद हम उसमें बॉल लगाएंगे। बॉल को चेक करना है हमको, वो बॉल सही है या फिर वो ख़राब हो चुका है। बॉल को भी चेंज कर सकते हैं हम, अगर बॉल ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें हम बॉल लगाने के बाद उसमें हम एक स्प्रिंग लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर स्प्रिंग। यह दोस्तों कंप्रेसर स्प्रिंग। स्प्रिंग लगाने के बाद प्रोटेक्शन स्लीव लगाएंगे, उसके बाद उसके सर्क्लिप लगते हैं, रिटेनिंग रिंग भी बोलते हैं। तो सर्क्लिप लगाएंगे, सर्क्लिप लगाने के लिए हमको एक आउटर प्लस चाहिए, हम आउटर प्लस से लगा सकते हैं। अगर आप हाथ में कोई नॉर्मली टेस्टर पकड़ के लगा सकते हो तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम चेकिंग करेंगे सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये परफेक्टली सही से वर्क कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम उसमें थोड़ा चीजल लगाएंगे, चीजल लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम उसमें चीजल लगा के चेक करेंगे ये परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, यह कंप्लीट टूल होल्डर सेट। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर एक डैम्पिंग रिंग लगता है, जो ज़्यादातर मशीन में कोई बंदा नहीं लगाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग रिंग अंदर में लगता है, उसको हम लगाएंगे। उसमें अगर आप स्ट्राइकर पिन लगाते हो उसको हम लगाएंगे, उसमें स्ट्राइकर पिन लगता है तो ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्राइकर पिन को, ज़्यादा ख़राब नहीं करता है, इसलिए डैम्पिंग रिंग में आप ऑयल भी लीकेज नहीं करता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए। नया अगर आप टूल होल्डर डालोगे तो ये डैम्पिंग रिंग उसमें नहीं आएगा और आपको खुद खरीद के लगाना पड़ेगा। तो इसको परफेक्टली बिठा लेंगे, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो हम बिठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। फ्यूचर में इस तरह सा वीडियो, पावर टूल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। दोस्तों, पावर टूल से रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट्स आपको ज़रूरत है आप मेरे से लगा ले सकते हो। मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करता हूँ अमेजन से, और ऑफलाइन में अगर ऑनलाइन में कोई स्पेयर अवेलेबल नहीं है तो ऑफलाइन से मेरे से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपके पास। मैं डिलीवरी दे दूँगा, उससे पहले आपको पेमेंट देना पड़ेगा। थैंक यू।